कहीं तो अच्छी जगह पर काफी अच्छे अच्छे लोग हैं। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं, देखा तू ना क्यों अपने पोपल लड़कों और अपने अच्छे गर्लफ्रेंड भाई यही होता है। ये हमारे साथ ना गलत हो रहा है, यही पॉलिसी तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हमने ये ऑर्डर किया था और ये सचिन बैठ के साला मजा ले रहा, मेरे को लेके आना पड़ा। जी भाई कब ले लिया? आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील कर रहा हूँ, घर जाके अभी से पहले अपडेट करना है सचिन के वाइफ। और ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मोस्ट ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और आज है सैटरडे और अभी एक बज रहा था तो मैं छत पे आया हुआ था, थोड़े कपड़े वगैरह डाल रहा था तो मैंने सोचा कि ऐसे सचिन को कॉल करूँ। सचिन बोलता है कि आज उसको बाइक सर्विसिंग के पे देना है प्लस सूरज को लैपटॉप भी लेना था, तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि इसी बहाने थोड़ा घूम फिर भी लेंगे। तो आज की ब्लॉगिंग मेरी घूमने के ऊपर ही है, नॉर्मल कि कभी कभार कैसे हम लोग इन्जॉय कर लेते हैं। सो लेट्स गाइस, अब मेरे को रेडी होना पड़ेगा तो मेरे ब्लॉग में बने रहना, बाकी मैं पूरे दिन की चीज़ें दिखाऊंगा, बाकी एंजॉय करना। सो लेट्स गाइस, मैं अभी बाहर पहुंच चुका हूँ। अरे देखा दोनों लोग, ये सूरज हंस रहा है साला, अरे सचिन यहाँ पर खड़ा है। अब हम जा रहे हैं सर्विसिंग के लिए। अब मैंने भी अपनी बाइक चमका रखी है आज, कुछ अच्छा सा लग रहा है। और मैं हेलमेट वेलमेट पहन के रेडी हो जाता हूँ ब्लॉगिंग के लिए। आज मैं और सचिन रेस लगाने वाले हैं, सो लेट्स गो। चले सचिन चले, तो चल। आज मेरा पेट्रोल भी ख़त्म है तो मेरे को पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा। आ गया वो हीरो, ये तो रेस लगाएगा, रेस लगाएगा। आ रहा आज हम दोनों मोटर ब्लॉगिंग कर रहे हैं। है? अबे उतनी चलेगी भी नहीं गाड़ी, रिजर्व में लग जाएगी यार। देख रहा है अभी लग गई। आज मेरी बाइक को पेट्रोल पिलाना पड़ेगा। सचिन को कुछ हो गया है यार, आज मोटर ब्लॉगिंग कर रहा है ना मेरे साथ, इसलिए थोड़ा सा हम गलियों वाले मोटर ब्लॉगर्स हैं तो हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, सिर्फ अपने नोएडा सिटी में ही घूमते रहते हैं इधर उधर। फ्री राइडर को तो अब हम ये होंडा के शोरूम में पहुंच चुके हैं, सर्विस यहाँ होती है। यार मैं भी डाल दूंगा अपनी, क्या बाजार नहीं जा सकती क्या हीरो में? सचिन अपना नंबर नाम लिखवा रहा है। तो
गाइस अभी जो है क्या हुआ कि सचिन ने अपनी गाड़ी सर्विस में दे दिया, थोड़ा स्लो चल रहा सचिन, और अब क्या है कि हम दोनों जा रहे हैं अट्टा, उसको अपना हेलमेट सही करवाना है, तो अभी सेक्टर 9 जाएंगे, उसके बाद अट्टा जाएंगे, तो अब वैसे भी गाड़ी 4:30 बजे तक मिलेगी। पता नहीं क्या क्या तो बोल रहा है, सुनाई तो देना है नहीं। तो गाइस चलो फिर मैं आगे अपनी ब्लॉग दिखाता हूँ, तो देख के मजे लेते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं दुकान में इनके, यहाँ पे हेलमेट ही हेलमेट है। अबे सचिन बैठा हुआ है, हेलमेट चेंज का अपना चेंज करा रहा है। मैं सोच रहा हूँ कुछ अच्छा हेलमेट ले लूँ, आज काफ़ी दिन हो गए, मन भी कर रहा था, बाकी अगर कोई अच्छा लगेगा तो लूँगा जरूर। लिया कुछ नहीं, अब जा रहे हैं GIP, उसको शर्ट लेनी है, और सचिन मेरा ड्राइवर बना हुआ है। पार्किंग है भैया? गाइस हम लोगों को पार्किंग मिल चुकी है, मेरे को लग रहा था नहीं मिलेगी, बट दिस ओके, कार्ड में लूँगा। ये अपना टिकट मिल चुका है, अब जब बाहर निकलेंगे तो ये हमको नीचे दिखाना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा मज़ा मेरे को DLF में यहीं आता है, बिकॉज यहाँ पे एकदम गोल गोल वाली स्लाइडें होती है। मैं दिखाता हूँ मिस्टर बीन की तरह, सही बोल रहा है ये, अभी देखना। ब्रेक नहीं लगेंगे, ये अब कार वाला आ चुका है, और अभी और एक नीचे और स्लो जाना है। अंदर जा रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे। अरे ये रहा सचिन, मेरे फोन से गाइस, मेरे फोन से अगर कटा दे कि कमेंट में डाल दो, मेरे फोन से, मेरे ये यहां से एंटर है, यहां से भी देखो कहां से घुसवाए गए हमको। एकदम हार्ड है कि कोई जैसे मैं गन लेके घूम रहा हूँ, हाँ वो बात अलग है, गन घर पे है, पर किसी को तो ये नहीं कि मैं लेके घूम, हम नहीं लेके फोन वापस ला रहे हैं। यहाँ पे ऐसा चिड़ के चलते हुए सबसे ऊपर चलना, सबसे ऊपर क्यों, लेवल 3 चल, क्यों वहीं पे ना लाइफ स्टाइल वाला चलना। तो यार पहले खाना खा लेते हैं ना, भूख भी लग रही है। नरम पाइप पे है और क्या, चले तेरे साइड में भी थी, उधर से भी दबा लेता। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, यहाँ पे हम 10 मिनट तक घूम ही गए हैं, घूम और अभी वो मिला नहीं है, और अब हम नीचे जा रहे हैं कि एटलीस्ट अब मिल जाए H&M, तो H&M के कपड़े लेने हैं। पेंटलून्स है यहाँ पर, तो कहाँ है, और वो H&M मिल गया, बाकी H&M मिल गया। घूमते रहते हैं, आखिर हम H&M आ गए, कोई नहीं दिक्कत डाले। और यहाँ पे देखो भाई, हम अच्छी जगह बैठे, इसलिए शीशे वाली जगह पे बैठा मैंने, यहाँ से अगर गिर गया वैन पे फोन तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो गाइस मैं अपना खाना लेके आ गया हूँ, और हमने ये ऑर्डर किया था, और ये सचिन बैठ के साला मज़ा ले रहा, मेरे को लेके आना पड़ा कि मैं इसको भेज दूँ। खैर अब गाइस मैं इसको खा लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको आगे की चीज़ दिखाता हूँ कि और क्या किया आपने। फिर हमने खा लिया है, सचिन अभी खा ही रहा है, और अभी सूरज का फ़ोन आया, वो कह रहा है कि उसको लैपटॉप लेना है, तो अभी शायद से
वो भी आ ही रहा है, तो अभी हम बाइक लेने जाएंगे, फिर उसके बाद आएंगे, उसके बाद फिर हम लैपटॉप लेंगे, फिर घर जाएंगे। आज पूरा दिन मेरा इन्हीं में चला गया, तो आज मैंने पूरे दिन सिर्फ घूमा है और कुछ भी नहीं किया। सैटरडे को पूरा आनंद उठाया है मैंने। खैर काफ़ी ठंडा खा लिया यार, ये देखो कैसे खा रहा है ये यार, बहुत मीठा है, कैलोरी बहुत है, तू खा ले, मैं नहीं खा पाऊंगा। तो गाइस अभी हमने सब कुछ खा पी लिया, अब निकल रहे हैं यहाँ से। मैंने ये थोड़ा बचा हुआ था तो इसको मैंने कैप लगवा लिया और हम जा रहे हैं, और हम घूम फिर के खा पी के, नींद आ रही है बहुत तेज, और सचिन अब आ चुका है, गाड़ी खोल रहा है मेरी। उसके बाद फिर हम दोनों जाएंगे वहाँ पर, कहाँ जाएंगे, पार्किंग, वो तो भूल गया, हम जाएंगे 62 सचिन की बाइक लेने, फिर आएगा सूरज, फिर उसका लैपटॉप लेंगे, फिर घर जाएंगे। मतलब आज पूरा दिन 8 या 9 बज जाएगा घर पहुँचते पहुँचते। बोट चलाने के लिए यहाँ पे आएगा मज़ा, अब देखना गाइस। गोल गोल पूरा हो जाता है यहाँ पर, ये सचिन यहाँ पे बाहर आते हुए, भाई ये ले ले, इसको दोहरे पटने लग गए बाइक को, हाथ रखते ही अब कहाँ चल रहा है अट्टा, इसको फोन कर दे, बोल के जल्दी आएगा। सूरज आ चुका है, जैसे कि ये रहा सूरज, और हम जा रहे हैं अब लैपटॉप लेने, और हम आ गए GIP, ये तो बहुत दिनों बाद GIP आ रहा है। वैसे तो ये बिक चुका है, अब इसका माई बाप कोई और है, बट स्टिल यहाँ पे चीज़ें कुछ हैं जो चल रही हैं। सो अभी हम अंदर जाते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ कि बहन चुप बिना वो मेरा लग रहा था अभी सच भाई। कौन सा ले रहे हो, कुछ देख रहे हो, कुछ समझ आ रहा तुम लोगों को हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा, बस लेने से मतलब उंगली कर रहे हो साले। ये डेल के शोरूम में हम आ चुके हैं और अभी देख रहे हैं कुछ अच्छा इन लोगों को मिलेगा तो ये लेगा, क्योंकि सूरज को लेना है। मेरे पास ऑलरेडी इतना अच्छा वीवो बुक एप्पल फेल है। खैर यहाँ पर 7:30 बज रहे हैं और अभी तक इन लोगों ने कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ यहाँ पे कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता ये जल्दी लेंगे, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। जब तक मैं आपका व्यू दिखा देता हूँ GIP का, ये GIP है द ग्रेट इंदिरा पैलेस, एक टाइम पे सबसे ज़्यादा मॉल चलने वाला है था ये, बट अब इसके घंटे हो गए हैं और ये एकदम जीरो हो गया है, तो अब इस पर कुछ रहा नहीं है इतना खास। हाँ कुछ चीज़ें हैं जो है ठीक ठाक, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी ये दोनों अखंड लोग यहाँ बैठे हुए हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या करवाएंगे ये भी नहीं पता, तो इनका वेट करते हैं कि कब ये लेते हैं, और मैं घर जाता हूँ क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ। तो अभी इन लोगों ने इतनी दिमाग काटने के बाद, अपनी भैंड लहसन करने के बाद उन्होंने जाके मेरे भी चैनल होते हैं, अब वो बताऊँगा मैं बाद में, और तब जाके इन्होंने फाइनल किया है, इन्होंने ये फाइनल किया है। इन्होंने ये फाइनल किया है, ये है कि अभी ये फाइनल करवा रहा है बैठ के। सो गाइस यहाँ पे हम सूरज के पास आए, सूरज से पूछने की सूरज क्या कर रहा है। सूरज जरा बताओ, आपने लैपटॉप ले लिया, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, घर जाके अभी से पहले अपडेट करना है सचिन के वाईफाई। चलो ठीक है भाई, कीबोर्ड भी ले लोगे अलग से? एक काम कर बहन, जो वो ले ले, ये पूरा डेस्कटॉप ले ले उठा के, मायो तेरे को सब कुछ चाहिए।
चलो भैया तू बैग ले। फाइनली हमने और हम जा रहे हैं, ये देखो डेल का बैग लेके जाते हुए ये, हाँ सब कुछ ले लिया। और ये सचिन यहाँ पर मायूस इस सारे को यूएसबी केबल फ्री भी लिया है भाई, ये डेल वाले के लिए इसने एक बंदा लेके आया है तो इसको एक यूएसबी केबल फ्री भी लिया। तो गाइस हमने सब कुछ ले लिया है, हम बाहर जा रहे हैं और ये सारे ये फैंटो डेल दिखाते हुए और ये नाइट व्यू जीआईपी का।